फ्रेंड्स, सेट थ्योरी जो टॉपिक है वो मैं आज से सेकंड ग्रेड और 11th, 12th, जेई मेंस सभी क्लासों में मैथमेटिक्स में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैं उस टॉपिक को आज स्टार्ट कर रहा हूँ। और ये मेनली मैं सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं जो सेट थ्योरी वाला टॉपिक है वो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आज से बिल्कुल विधिवत स्टार्ट हो जाएगा सेकंड ग्रेड के लिए सारा टॉपिक 11th 12th को क्लियर कराते हुए। तो हम सबसे पहले लेते हैं सेट्स या समुच्चय। इसके अंदर होता क्या है? कुछ नहीं, सीधी सी बात है, सेट थ्योरी। इट मींस इसमें जो होता है सेट को हम जो लिखते हैं सेट यानी समुच्चय, ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स, और उसको हम लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे APPLE एप्पल एक वर्ड है, तो इसके सभी लेटर को लेकर के बनाया गया सेट, तो वो हो जाएगा जो सेट आएगा वो APPLE। इसको हम सेट के रूप में लिखते हैं। हम पी डबल बार आया तो डबल बार इसमें नहीं लिखा जाएगा, केवल एक बार ही आएगा। तो इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाने वाला और वेल डिफाइंड होना चाहिए, जो मतलब सब जगह ट्रू हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, तो उसको हम सेट कहेंगे। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स यानी कि एप्पल जैसे ये लिया है तो एप्पल का मैंने सभी लेटर लेकर के अलग अलग और इसका सेट बनाया। तो इसको हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट, इसको अगर मैं नाम दे दूं कोई, जैसे सेट ए दे दिया तो ये हो जाएगा NA=4। तो ये तो एक सेट क्या होता है जो बताया मैंने। अब इसके अंदर जो टर्म्स होती है वो मैं मेन मेन पार्ट ही ले रहा हूँ। एक तो सेट को हम रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म दो तरह से लिखा जाता है। रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म का मतलब होता है ये वाला पोर्शन जो है, ये जो लिखा है A=X सच देट x इज एन इंटीजर एंड -3 लेस एंड लेस देन x लेस देन 7, तो ये तो कहलाता है सेट बिल्डर फॉर्म। ये सेट बिल्डर फॉर्म कहलाएगा जो लिखा हुआ है ये वाला। ऐसे ही नीचे बी वाला लिखा है एक और एक सेट, एक्स सच देट एक्स इज सेट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वर्ड्स, यानी ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी जो लेटर आए हैं उनका हमें एक सेट बनाना है। तो ये जो प्रेजेंटेशन है ये पूरा प्रेजेंटेशन एक तरह से दोनों सेट के लिए हमारे सेट बिल्डर फॉर्म है। और हम इसको रोस्टर में अगर लिखते हैं तो इसको हम लिखेंगे A=-2, -1, -0, 1, 2, 3 इस तरीके से। तो ये इस तरीके से आपको लिखना है। यहाँ -3 और 7 दोनों इसमें इंक्लूड नहीं है, इसलिए -3 से जस्ट पहले वाली तो -2। तो ये इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट में इसी सेंटेंस को हमने कर्ली ब्रैकेट में एलिमेंट जो शामिल है इसमें वो मैंने लिखे हैं। तो ये कहलाता है आपके रोस्टर फॉर्म, ये कहलाता है सेट बिल्डर फॉर्म। यहाँ ट्रिग्नोमेट्री था तो ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी एलिमेंट आए, वर्ड आए, लेटर आए हैं, मैंने उनको TRIGONMEY लिखा है। यहाँ टी दो बार आया तो मैंने टी एक बार ही लिखा है, ध्यान रखना। आर दो बार आया तो मैंने एक बार ही लिखा है, यानी हर जो एलिमेंट है उसके अंदर आप सबको अलग अलग एक एक बार लिखेंगे। तो ये एक तरह से रोस्टर फॉर्म में सेट कहलाएगा और ये कहलाएगा सेट बिल्डर फॉर्म। अब यहाँ दूसरा पोर्शन है सेट बिल्डर फॉर्म यानी समुच्चय निर्माण रूप। तो इसके अंदर जैसे मान लो ये पूरा जो दे रखा है, ये पूरा सिस्टम मैंने 3 सेट का एग्जाम्पल लिया। इसके अंदर मैंने A=369=12, B=248=1632, C=1400। तो इन तीनों को हमें सेट बिल्डर में लिखना, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। सच डेट के रूप में जो लिखा जाता है वो सेट बिल्डर है। तो 3, 6, 9, 4, 9, 12 क्या है ये? इसको अगर अपन देखें तो ये 3 का मल्टीपल है। तो A=X सच डेट X=3n, ये 3n हो जाएगा एक तरह से। और n कहाँ से लेना? फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n, वेर n लेस एन इक्वल देन 4, यानी n को अपन अगर 4 के इक्वल या 4 से कम लें तो हमारे ये सेट आ जाएगा। भले आप देख लो N=1 लिया, 3, 2 लिया 6, आप 3 लिया 9 और 4 लिया 12। इस तरीके से 2, 4, 6, 8, 12 ये लिया,
एट 1632 लिया। तो यहाँ अगर आप देखो तो ये x सच देट x इक्वल टू 2n हो रहा है, फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n, n लेस एंड इक्वल देन 5। यहाँ पर भी आप n की वैल्यू 5 या 5 से कम लोगे और इसके ऊपर बिठाओगे अगर n की वैल्यू, तो आपकी ये पूरा सेट आ जाएगा। तो ये रोस्टर टू सेट बिल्डर 14900। तो यहाँ पर देखो ये स्क्वायर के फॉर्म में 1, 2, 3 का स्क्वायर है 100 तक। तो x सच देट x बिलोंग्स टू x इक्वल टू एन स्क्वायर, फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू एन, एन लेस एंड इक्वल देन 10। यहाँ एन की वैल्यू 10 से कम लेते हैं यानी 1 से 10 तक, तो ये पूरा सेट आ जाएगा। यानी इसमें ये रोस्टर टू सेट बिल्डर और सेट बिल्डर टू रोस्टर, ये इस तरीके से आप इसको लिखेंगे। ये दो तरह के फॉर्म होते हैं सेट को प्रेजेंट करने के। फिर मैं नेक्स्ट पार्ट ले रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट पार्ट आ रहा है, मैं एक एक पार्ट पूरा कर रहा हूँ इसके अंदर। अगला टॉपिक है इसके अंदर नल सेट या फिर एम्प्टी सेट। नल सेट को जो लिखा जाता है प्रेजेंटेशन है इसका फाई या फिर कर्ली ब्रैकेट के अंदर, कर्ली ब्रैकेट के अंदर इसको लिखा जाता है, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। तो इस तरीके से हमारे ये फाई या फिर नल सेट को कर्ली ब्रैकेट में, इसमें कोई एलिमेंट नहीं आएगा, ये दो प्रेजेंटेशन है नल सेट के, यानी रिक्त समुच्चय जिसमें कोई एलिमेंट नहीं हो। भले आप फाई लिखो, भले आप इस तरीके से लिखो, बहुत सारे इसको इस तरीके से लिख देते हैं, तो ये प्रेजेंटेशन रोंगे, ध्यान रखना। फिर आता फाइनाइट इनफाइनाइट सेट यानी परिमित अपरिमित समुच्चय। तो ये इसके अंदर हो जाएगा हमारे पास में, जैसे मैंने 3 एग्जांपल लिए, तो x सच देट x बिलोंग्स टू n, और ये कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2=0, यानी इससे जो एलिमेंट आएंगे वो इसको सोल्व करने पर जो एलिमेंट आते हैं x की वैल्यू, वो आपको इसमें से लेनी है। तो इसको सोल्व करने पर आपके 1 और 2 आएगा, तो इसके अंदर 1 और 2 हो जाएगा। फिर यहाँ x इक्वल टू एक्स सच देट एक्स बिलोंग्स टू n एंड x बी अ प्राइम नंबर, मतलब ये सेट बिल्डर है, हम इसको पहले रोस्टर में लिखते हैं। तो रोस्टर में क्या आ जाएगा, प्राइम नंबर यानी कि 2, 3, 5, 7, ध्यान रखें 1 प्राइम नंबर नहीं है, 2 से स्टार्ट होती है और 2 ही एकमात्र जो प्राइम नंबर है और वो इवन भी है। तो आप देखो ये इस तरीके से आ रहा, और तीसरा आ रहा है x बिलोंग्स टू n, x सच देट x बिलोंग्स टू n एंड x बी एन ओड नंबर, तो इसके अंदर ही 1, 3, 5 इस तरीके से चलेगा। आप देख रहे हो कि ये इसमें ओनली 2 एलिमेंट है और इसमें का अनंत है, मतलब इनफाइनाइट एलिमेंट है, इनको गिन नहीं सकते हैं। तो ये दोनों तो हुए आपके अपरिमित समुच्चय या फिर इनफाइनाइट सेट, और ये इसमें जो 1, 2 एलिमेंट जो अपन काउंट कर सकते हैं, तो ये फाइनाइट हुआ, यानी जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो फाइनाइट होते हैं वो सारे फाइनाइट सेट होंगे, और जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट होते हैं वो इनफाइनाइट सेट होते हैं। ये फाइनाइट और इनफाइनाइट या परिमित या फिर अपरिमित हो जाएगा, ये इसके अंदर है। फिर नेक्स्ट बात करें हम इक्वल सेट। देखिए मैंने यहाँ 4 सेट लिए, a इक्वल टू 0, b इक्वल टू x सच देट x ग्रेटर देन इक्वल देन 5, ग्रेटर देन 5 नॉट इक्वल, एंड x लेस देन 3। यहाँ x इक्वल टू x सच देट x माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड d इक्वल टू 3, मैंने 4 सेट लिए। अब यहाँ ये हमारे रोस्टर फॉर्म में ही है, ये भी रोस्टर में है, इनको आप रोस्टर में लिख के देखें आप, तो ये क्या बनेगा कि इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, और इसको हम 5 से लिखेंगे, क्योंकि 5 से बड़ा या फिर 3 से छोटा ऐसा कोई एलिमेंट है जो 5 से बड़ा भी हो और 3 से छोटा भी हो, कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, और इस वजह से इसको 5 लिखेंगे। तो ये नल सेट हो गया, और इसको अगर अपन लिखते हैं रोस्टर रूप में, तो ये x इक्वल टू 3 आएगा, तो इसको इस तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ आप देखो ए बी सी डी में सेट ए किसी के भी इक्वल नहीं है, लेकिन सेट बी मतलब सी और सेट बी दोनों डी ये दोनों इक्वल सेट है, क्योंकि इसमें एलिमेंट सेम है, नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं, जो एलिमेंट अंदर है वो सेम होने चाहिए, ठीक है ना। 3 है तो 3 इस तरीके से दोनों में आ रहा है, इसलिए यूनिक है। ये 0 इसमें 5 है, तो ये दोनों सेम कर दो, इसमें एक एलिमेंट है 0 जबकि इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, ये नल सेट है जबकि इसमें 1 एलिमेंट है, मतलब इसमें एन बी इक्वल टू 0 है जबकि इसमें एन
ए इक्वल टू वन है क्योंकि एक एलिमेंट है, जबकि इसमें कोई भी नहीं है। ये इस तरीके से, मतलब आप यूँ कह सकते हो कि जैसे अगर मैं कोई एक सेट नया सेट ले लूँ, जैसे मान लो ई सेट ले लेता हूँ, तो ई इक्वल टू 1 2 3, और एफ सेट ले लेता हूँ 3 1 2, तो यहाँ पर ये ई और एफ दोनों इक्वल सेट है, क्योंकि भले ही आगे पीछे लेकिन जो नंबर ऑफ एलिमेंट यानी जो एलिमेंट इसमें है वो सारे एलिमेंट है, 1 इसमें है 1 इसमें है 3 3 इसमें है 3 इसमें है 2 इसमें है 2 इसमें है, तो ये ई और एफ इक्वल सेट हुए। तो इक्वल सेट का मतलब ये है, ध्यान रखना, नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं, यूनिक इसमें और इसमें मतलब वो आ जाए। भली जैसे मान लो इसने एक सेट एक्स इक्वल टू 1 2 ले लिया और एक सेट ले लिया 3 4, तो आप इन दोनों को इक्वल नहीं कह सकते क्योंकि इसमें n x तो आपके इसके अंदर 2 है और n y आपके 2 है, लेकिन एलिमेंट सेम नहीं है, या 1 है तो 1 इसमें ही नहीं, 2 इसमें तो 2 इसमें ही नहीं, इसलिए तो ये इक्वल सेट। फिर बात करते हैं हम सबसेट्स यानी उपसमुच्चय। उपसमुच्चय का सिंबल ये है, जैसे इसको लिखा था a सबसेट b और a एंड a नॉट इक्वल टू b, अगर ऐसा हो, ये तो सबसेट का सिंबल है। इस ये एक स्पेशल केस दिया मैंने, ए इज यहाँ पर ए जो है एक प्रॉपर सबसेट ऑफ बी है और बी इज सुपर सेट ऑफ है, ध्यान रखना बी सुपर सेट है। अब इसको कैसे है? जैसे मैं आप ले लेता हूँ एक सेट ए इक्वल टू 1 2, अब यहाँ पर इसमें आप पहले एक एलिमेंट ये ले लें, फिर 2 ये ले लें, फिर 1 2 ले लें, और फिर कोई एलिमेंट नहीं लें जिसको अपन ओनली कर्ली ब्रैकेट से लिखते हैं ये वाला, तो इस केस में इसके कुल कितने सबसेट हो गए 1 2 3 और 4। तो ये इस तरीके से ये सारे इसके यानी ये नंबर ऑफ सबसेट यानी उपसमुच्चय ऑफ सेट ए इक्वल टू 1 2 3 और 4, और इसका जो फॉर्मूला है वो है 2 पावर n से हम सबसेट की नंबर निकाल सकते हैं। मतलब यहाँ पर n इक्वल टू 2 है अगर, तो ये 2 पावर 2 यानी कि 4, तो जिस सेट के अंदर 2 एलिमेंट होंगे उसमें नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे 4। अगर हम यहाँ जैसे एक सेट b ले लें, तो ये 1 2 3 ले लिया मैंने, तो यहाँ पर सबसेट क्या होगा, 1 ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, 2 3, फिर 1 2 2 3 3 1 और 1 2 3, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7। अब अपन फॉर्मूला यूज करके देख लेते हैं कि 2 पावर n, तो 2 पावर 3 एलिमेंट है, 1 2 3, तो 3 रखा तो ये 8 हो रहे हैं, लेकिन इसके अंदर 7 ही हो रहे हैं, तो आइए कौन सा बाकी रह गया, नल सेट बाकी रह गया। तो ये जो सारे सेट हैं ये सारे सेट इसके सबसेट कहलाएंगे, ये सबसेट की डेफिनेशन है। जैसे अब मैं यहाँ पर कहूँ कि ए तो हमारा ये हो गया, अभी इस पहले एग्जांपल की बात करूँ मैं, जैसे फर्स्ट एग्जांपल ये लिया मैंने और सेकंड एग्जांपल मैंने ये लिया, तो जैसे मैं फर्स्ट एग्जांपल में बात करूँ कि अगर मैं एक सेट फर्स्ट एग्जांपल के लिए लिखूँ कि जैसे मान लो सी इक्वल टू 1 2, तो यहाँ पर आप कह सकते हो ए सी सबसेट ए एंड सी इक्वल टू ए, ये 2 टर्म हो जाएगी इसके अंदर, इक्वल भी है और सबसेट भी है, सी इसका ए का सबसेट देख लो। तो ये सबसेट का पैटर्न हुआ, आपको इस तरीके से आपको ये करना है। फिर इसके अंदर ये सबसेट का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ, इस तरीके से आपको सबसेट निकालने हैं। फिर हम चलते हैं इंटरवेल, आर के उपसमुच्चय के रूप में इंटरवेल एज सबसेट ऑफ आर। ये 3-4 तरह के इंटरवेल है, देखिए पहला ए बी छोटे ब्रैकेट में, दूसरा ए बी बड़े ब्रैकेट में, तीसरा ए छोटे ब्रैकेट में बी बड़े में, और चौथा है ए बड़े ब्रैकेट में और बी छोटे ब्रैकेट में। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स सबसेट एक्स ग्रेटर इक्वल देन ग्रेटर देन ए एंड लेस देन बी, यहाँ ए एक्स ए के इक्वल भी है और बड़ा भी है, और बी से बी के इक्वल भी बड़ा भी है। तो इन दोनों का प्रेजेंटेशन का तरीका ये होगा, ये इस तरीके से आप देखना,
नंबर लाइन पे, ये ए और ये बी दोनों तरफ ब्लैंक, यानी ए और बी इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, ये कहलाता है ओपन इंटरवल या खुला अंतराल। फिर यहाँ पर है, ये यहाँ पर दोनों ही इंक्लूड है, तो इसको पूरा डार्क कर दिया जाएगा, और इसका मतलब ये हुआ कि नंबर लाइन पर ए और बी दोनों शामिल है, तो ये कहलाता है क्लोज्ड इंटरवल। फिर यहाँ पर अगर आप देखें तो इसके अंदर ए इंक्लूड नहीं है जबकि बी इंक्लूड है, तो जो इंक्लूड है उसको आप डार्क कर दें, ये बता रहा है कि बी इंक्लूड है और ए इंक्लूड नहीं है, इस तरीके से। और तीसरा है ए इंक्लूड है, तो ये इस तरीके से इसको तो आप डार्क कर दें पूरा, और इधर वाला जो है ये इंक्लूड नहीं है ए बी, तो ये नंबर लाइन पर प्रेजेंटेशन इसका हो जाएगा बी इंक्लूड नहीं इसके अंदर ही, ये इसका प्रेजेंटेशन करेगा। ये चार तरह के इंटरवेल होते हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं सेट के अंदर। अब बात करता हूं मैं पावर सेट। आप देखें पावर सेट क्या होता है, उसको पी ए से लिखा जाता है, पावर सेट ऑफ सेट ए, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट इज कॉल्ड पावर सेट, यानी जितने भी किसी सेट के सबसेट बनते हैं तो उन सब का जो सबसेट होता है उसको पावर सेट कहते हैं। जैसे आप देखो कि एक सेट ए है 1 2, अब आपको मालूम है कि इसके सबसेट कितने बनेंगे 2 पावर n से, 2 पावर 2 जो पीछे पन्ने किया 4 बनेंगे, तो सबसेट कितने बनेंगे 1 2 1 2 और 5, ये 4 सबसेट बनेंगे। अब ये चारों ही सेट ध्यान रखना, सबसेट तो इसके एक है लेकिन अलग अलग सबसेट कहलाते हैं। अगर इन सभी को एक कर्ली ब्रैकेट बना करके सब सेटों का एक सेट बना दिया जाए तो वो कहलाता है पी ए, मतलब पावर सेट ऑफ ए, यानी जितने भी सब सेट है उन सब सेट का अगर एक सेट बना दिया जाए पूरा ब्रैकेट में तो वो कहलाता है पावर सेट। इस तरीके से पीछे वाले एग्जांपल में जैसे हमने यहाँ पर लिया कि ये सेट बी इक्वल टू 1 2 3 था, तो इसके अंदर इसके कितने कुल 8 सबसेट बने थे, ये यहाँ b इक्वल टू 1 2 3 है तो इसके सबसेट बनने ये कुल 8 बनाए, तो अगर हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस पूरे को 8ों ही एलिमेंट को एक बड़े सेट के कर्ली ब्रैकेट के अंदर ले लें तो ये कहलाएगा आपके पी बी, पावर सेट ऑफ बी, ये इसके पावर सेट का सिस्टम है। तो आपको पावर सेट क्लियर हो गया है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ इस सेट के मेन कॉन्सेप्ट की तरफ। देखें मेन कॉन्सेप्ट है सेट का, ये 4 टर्म है ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी एंड बी माइनस ए। यूनियन का मतलब ये होता है कि दोनों में जो एलिमेंट आते हैं उनका यूनियन, यानी ए यूनियन बी मतलब ए यूनियन बी लिखते हैं इसको या ए संग बी भी पढ़ते हैं। तो इसका सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, जबकि इंटरसेक्शन में एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, इसको इंटरसेक्शन इसको यूनियन कहते हैं। दोनों में फ़र्क क्या है ध्यान से देखना, एक्स ये पूरा एज इट इज, फर्क यहाँ पर आप देखो कि यहाँ एक्स ए का भी हो सकता है और बी का, या तो एक्स ए का हो या फिर बी का हो या फिर दोनों का हो तो ये यूनियन शामिल होगा, ये और ध्यान रखें। जबकि इंटरसेक्शन में इसको सबनिष्ठ भी कहते हैं तो इसमें एंड लगेगा, दोनों का मेन डिफरेंस ये है, इस वर्ड को आप पकड़ लें इंटरसेक्शन में एंड मतलब बोथ, इसके लिए आप यू भी कह सकते हो कि ए एंड बी बोथ, जबकि और यू कहेंगे। और इसका एक वर्ड और है कि दोनों में कॉमन, ए और बी में कॉमन होगा वो इंटरसेक्शन में शामिल होगा। जैसे यहाँ ए और बी ये हैं तो अगर आप ए यूनियन बी फाइंड करेंगे तो ये 1 आएगा 2 आएगा 3 आएगा 4 आएगा 5 आएगा और 6 आएगा, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा, इस तरीके से सबको लिख देंगे। और ये इसका मेन इसका प्रेजेंटेशन है, ठीक है। अब इसका अगर अपन वेन आर एक वेन डायग्राम से बनाएं, चलो पहले दोनों को ले लेता हूँ मैं, इसके अंदर है अब ये इस अगर इसी में अगर आपको ए इंटरसेक्शन बी लिखना है तो वो क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन, ए और बी में कॉमन क्या है, देखिए 1 2 3 4 और 5 ये कॉमन आ रहे हैं, तो ये 2
थ्री फोर और फाइव ये हमारे इंटरसेक्शन में आएगा। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन और बोथ, ये दोनों वर्ड याद रखें, ठीक है। बोथ यानी कि जो दोनों में, सीधी सीधी बात, तो ये दोनों का डिफरेंस। अब यूनियन का अगर आप वेन डायग्राम बनाते हैं तो आप देखने देख ले, यहाँ पर ये कहलाता है यूनिवर्सल सेट, सार्वत्रिक समुच्चय, जिसमें सारे समुच्चय सारे सेट इसमें शामिल हो। अब इसके अंदर मैंने दो सेट लिए, ए और ये बी, ये सेट ए ये बी, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा शामिल हो जाएगा विदाउट रिपीटेशन, ये हो जाएगा ये ए यूनियन बी। दूसरी कंडीशन में इंटरसेक्शन है, यहां पर इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। कॉमन का मतलब ये जो एरिया है ये आपके कहलाएगा ए इंटरसेक्शन बी। पूरी यूनिवर्सल सेट में, पूरी यूनिवर्सल सेट के अंदर ये जो कॉमन एरिया है वो इंटरसेक्शन में आएगा। तो इस तरीके से आपको यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों समझने हैं। इसमें आपको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ ये वाली बात, और एंड वाली बात आप याद रखें ताकि दोनों का डिफरेंस समझ में आ जाएगा। फिर चलते हम ए माइनस बी यानी कि डिफरेंस सेट। डिफरेंस सेट में ए माइनस बी, सीधी सीधी बात, ए माइनस बी और दूसरा है बी माइनस ए। ए माइनस बी मतलब ए बट नॉट बी, और बी माइनस ए बी बट नॉट बी। मतलब क्या हुआ, ए माइनस बी में क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स नॉट इक्वल टू बी, ये याद रखना पड़ेगा। ये तो इसका प्रेजेंटेशन है, यह बी माइनस ए तो एक्स बिलोंग्स टू बी बट एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए। अब डिफरेंस क्या, जैसे ए इक्वल टू वन टू सिक्स है और बी इक्वल टू फोर सिक्स एट है, तो ए माइनस बी में क्या बोला मैंने कि ए बट नॉट बी, ये बात, यानी ए के अंदर बी के जो एलिमेंट है उसको हटा दो। बी के एलिमेंट कौन कौन से हैं, टू फोर सिक्स, ये बी के एलिमेंट इसके अंदर आ रहे हैं, तो बाकी अभी ए के अंदर क्या बच रहे हैं, वन एंड थ्री, तो ये क्या हो जाएगा, वन थ्री फाइव, ये आपके ए माइनस बी हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर बी माइनस ए करोगे तो बी बट नॉट ए, मतलब बी के अंदर ए के जो एलिमेंट घुस रहे हैं उनको हटाना है। तो एक का एक तो ये घुसरा, एक फोर घुसरा, एक सिक्स घुसरा, तो कौन सा बचा, आठ, तो ये हो जाएगा आपके b माइनस ए। बस a माइनस बी, ए बट नॉट बी, बी माइनस ए, बी बट नॉट ए, बस ये याद रखना। तो ये सिस्टम इसके अंदर आप याद रखें, तो ये अंतर समुच्चय कहलाएगा। इसका अपन आगे और यूज करेंगे, एप्लीकेशन आएगा, इसलिए आप इसको ढंग से समझ लेना। फिर लेते हैं अपन नेक्स्ट पूरक समुच्चय या फिर कॉम्प्लीमेंट सेट। कॉम्प्लीमेंट सेट को ए डी एस से लिखा जाता है, और इसको यू माइनस ए यानी कि यूनिवर्सल सेट में से एक एलिमेंट को हटा देने से आपके ए डी एस आ जाएगा, जिसको पूरक कहते हैं। जैसे यू इक्वल टू वन टू थ्री फोर फाइव टेन तक है, और ए इक्वल टू ये है, बी इक्वल टू ये है। अब आपके ए डी एस निकालना, तो आपको क्या करना है, यू माइनस ए करना है। अब यू में से ए के कौन से, वन टू थ्री फोर हटा देना है, तो वन टू थ्री फोर यहाँ तक हटा दो, यानी कि क्या आएगा इसके अंदर, फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और टेन। ऐसे ही अगर आपके बी डेज पूछा तो बी डेज क्या हो जाएगा, वन थ्री फाइव हटाओ, वन हटाओ, थ्री हटाओ, थ्री हटाओ और फाइव हटाओ और सिक्स हटाओ और सेवन हटाओ, यानी क्या बचा आप इसके अंदर, टू फोर सिक्स भी हटा दिया, सेवन भी हटा दिया, तो क्या बचा, एट नाइन और टेन। ये आपके बी डेज या पूरक समुच्चय, मतलब ए का पूरक समुच्चय एडेस, या ए का कंप्लीमेंट सेट ए एडेस। ऐसे ही यहाँ बी का कंप्लीमेंट सेट बी डेस। तो ये इस तरीके से एडेस बी डेस आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं। और इसके अंदर ये प्रॉपर्टी याद रखनी है, डेस का डेस फाइंड करोगे तो वापस वही एलिमेंट आ जाएगा, वही सेट आ जाएगा, बी डेस का ऑलडेज इक्वल टू बी। अब इसके अंदर इस चीज के लिए एक खास इंपॉर्टेंट पार्ट है डी मॉर्गन्स थ्योरम। ये दो तरह की होती है और आपको दोनों को याद रखना, क्या है वो, ए यूनियन बी होल डेज इक्वल टू ए डेज इंटरसेक्शन बी डेज, दूसरा ए इंटरसेक्शन बी होल डेज, तो ये ए डेज
यूनियन बी डैश हो जाएगा। ये है दोनों ही रूप डी मॉर्गन थ्योरम के। डी मॉर्गन इसके इससे अपन क्वेश्चन करेंगे, जब कभी यूनियन का होल डेज होगा तो अपन अलग अलग कर सकते हैं, और अलग अलग होगा तो अपन यूनियन रखे डेज कर सकते हैं। तो ये आपको इसके अंदर ध्यान में रखना है। ये आपके इस मेन पार्ट इसका हो गया। अब चलते हैं अपन प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन और यूनियन पर कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आएगी, यानी कुछ न्यूमेरिकल्स आएंगे, सवाल आएंगे, तो वो हो जाएंगे आपके इन फॉर्मूला पर डिपेंड। एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। दूसरा अगर तीन का है तो ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, और फिर तीनों का इंटरसेक्शन प्लस कर देना, यानी तीनों का दो दो का सेपरेट इंटरसेक्शन लेकर के माइनस करना, और फिर तीनों का इंटरसेक्शन यानी कॉमन आने वाला जो है उस कॉमन को वापस इसके अंदर प्लस कर देना। फिर एक ये पार्ट आ रहा है एन ए माइनस बी इक्वल टू एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, और एन बी माइनस ए इक्वल टू एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये तो है, इसमें देखो चार चीज़ें हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन, यानी क्वेश्चन में लैंग्वेज क्या होगी, ये तो टोटल आएगा, टोटल वर्ड लिखा होगा कहीं, और यहाँ टोटल ग्रुप, और ये कहलाएगा इस इंटरसेक्शन के लिए आपको क्या यूज करना, क्या वर्ड ध्यान रखना, एक तो बोथ दोनों, या फिर कॉमन, या फिर एंड और लिखा होगा, तब आपको माप ये समझना है कि ये ए इंटरसेक्शन बी है। फिर इसमें एक और आ रहा है ये कि ए यूनियन बी, अगर ए इंटरसेक्शन बी दोनों इक्वल है तो ये सेट ए और बी इक्वल होंगे, आप इसको एग्जांपल देके कर सकते हैं। फिर पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन पी बी, दोनों का अलग अलग कर सकते हैं। फिर एक ए, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए होगा, और ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी भी ए होगा। ये कुछ प्रॉपर्टीज है, तो इसको याद भी रखें, और इसको आप ए और बी को ही दो सेट मान करके, और आप इसको प्रूव भी कर सकते हो, ए और बी के दो वैल्यू निकाल के रख दें और उससे ये हो जाएगा आपके। तो ये इस तरीके से आपको इसको कंप्लीट करना है। ये सेट थ्योरी के सारे एग्जांपल और सारी प्रॉपर्टीज मैंने इसके अंदर ले ली है, तो इस तरीके से आप सेट थ्योरी को कंप्लीट कर सकते हो।